छतरपुर में बीते रोज फल व सब्जी व्यापारियों ने आरोप लगाए कि एसडीएम की जबरन गुंडागर्दी से हमारी दुकानें मंडी से हटा दी हैं, जिसके विरोध में एसडीएम मुरादाबाद ने नारे लगा। लोगों ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और साथ ही चेतावनी दी कि 2 मार्च से हड़ताल पर चले जाएंगे। मामला फल और सब्जी की दुकानों का है, जहाँ लोगों की शिकायत थी कि यह मंडी सटाई रोड स्थित हटवाई जाए, यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसको लेकर कल प्रशासन ने इनकी दुकानें हटवाकर सटाई स्थित मंडी में शिफ्ट कर दी थी, जिसके विरोध में नगर के सभी व्यवसायियों का आरोप है कि एसडीएम प्रियांशु भवन ने जबरन व्यापारियों को वहां से हटवा दिया है, जिसका हम लोग पूर्णतः विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 2 मार्च से व्यापारी हड़ताल पर चले जाएंगे। फल व्यापारी मंडी, सब्जी मंडी और फल मंडी वाले व्यापारियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर को कि जिस तरह से गल्ला मंडी से व्यापारियों की दुकान हटाई गई हैं और जबरन सटाई रोड पे पुरानी मंडी जो है वहाँ पे भेजने का प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा, उसके विरोध में सभी व्यापारी बंधु आज यहाँ कलेक्ट्रेट में उपस्थित होकर ज्ञापन दिया है। पूर्व में जिला कलेक्टर ने सौरा में मंडी के लिए ज़मीन अलॉट करी थी, उस पर मंडी का निर्माण होना था, दुकान का निर्माण होना था, लेकिन आज तक नगरपालिका द्वारा वहाँ निर्माण नहीं कराया गया है। सटाई रोड मंडी में तमाम व्यवस्थाएं हैं, रोड सकरा है, हैवी लोड ट्रक जाने की कोई सुविधा नहीं है, आए दिन दुर्घटना होगी और शहर का नागरिक भी इतनी दूर 5 किलोमीटर दूर खरीदारी करने नहीं जाएगा। साथ में इन व्यापारियों का माल कानपुर लखनऊ मंडी से, झांसी ग्वालियर दिल्ली से आता है, तो सौरा रोड में जो मंडी की ज़मीन आवंटित की गई थी वहाँ इनको सुविधा है, ज़मीन का अलॉटमेंट है, ऑर्डर है, उसके बाद भी निर्माण नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर नई मंडी निर्माण की मांग को लेकर व्यापारी बंधुओं द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। और अगर हमारे ज्ञापन पे गंभीरता से गौर नहीं किया जाएगा तो व्यापारी बंधुओं का कहना है कि वो अपना व्यापार चाहे बंद कर दें लेकिन सटई रोड में किसी भी कीमत पर जाने को तैयार नहीं है। और 2 तारीख से व्यापार बंद करने के बाद फल और सब्जी व्यापारी हड़ताल करेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। सब्जी व्यापारी साथ में आए हुए हैं हम लोग और इसमें जबरन हम लोगों की दुकानें हटाई गई हैं सुबह की टाइम और उनके लिए शिफ्ट करने के लिए सटई रोड पर बोला गया है, जिसमें हम लोग किसी भी हालत में उधर जाने को तैयार नहीं है। उधर की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है, जिसमें हम लोगों के लिए पूर्व में कलेक्टर साहब ने हलवल गार्डन के पीछे का आश्वासन दिया था, उधर हम लोग जाने को तैयार हैं। अगर कलेक्टर साहब हमारी व्यवस्था कल कर दें तो हम लोग उधर पर कल शिफ्ट होने के लिए उधर तैयार हैं। आज किस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया गया, सुबह क्या क्या किया गया? एसडीएम साहब ने हम लोगों की जबरन दुकानें हटवाई गई हैं और काफ़ी मतलब दहशत भरी बातें की हैं कि ये तुम लोगों का माल जब्त कर देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इस टाइप से किया है। तो हम लोगों ने डरों के मारे उधर पे दुकानें नहीं लगाई हैं, जबरन कुछ लोगों को जबरन ले गए हैं सटई रोड की मंडी में शिफ्ट करने के लिए, उधर हम लोगों को किसी भी तरह उसमें नहीं की गई। तो हम लोग 2 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, हम लोगों की नहीं है।